खाद के लिए ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों की लगी सुबह 4 बजे से लंबी लाइन। तहसीलदार निधि वर्मा की मौजूदगी में बांटा किसानों को खाद। कृषि उपज मंडी स्थित सहकारी विपणन खाद भंडारण केंद्र पर भारी ठंड के मौसम में खाद के लिए सुबह 4 बजे से ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। शुक्रवार को खाद के गोडाउन में पर्याप्त मात्रा में खाद होने के बावजूद भी कार्यालय के कर्मचारी द्वारा खाद को सोमवार को बांटने को लेकर कहा गया। किसान खाद लेने के लिए लाइन में खड़े रहे। इस बात की जानकारी मिलते ही सुबह 10 बजे तहसीलदार निधि वर्मा ने केंद्र पर पहुंचकर खाद के स्टॉक की जानकारी ली और खाद केंद्र अधिकारी अजय सोलंकी को सभी को खाद देने के लिए निर्देश दिया। शुक्रवार को करीब 200 किसानों को तहसीलदार निधि वर्मा व पुलिस की मौजूदगी में खाद बांटा गया। यूरिया लेना है? नहीं, अभी मिला है। पहले मना बोल गए थे, अब बोला है कि अब मिले। सुबह 6 बजे नहीं, अभी एक चपरासी बोल गया तो बोले आज नहीं मिलने का, तो आधे लोग वापस चले गए। लालखेड़ा अभी एक पावती पे 3 बोरी। एक्चुअली यहाँ पे जो रैक था वो सवेरे आया है, कुछ 100-125 बैग्स थे, लेकिन वो रैक जो आया है यूरिया का स्टॉक, वो POS मशीन में उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ था, जिसके चलते जो यहाँ के प्रबंधक थे उनके द्वारा किसानों को ये बताया गया कि वो स्टॉक फिजिकली POS मशीन में वेरीफाई होने के बाद वो वितरण बांटेंगे। इसके कारण थोड़ी सी किसानों में चिंता हो गई थी, लेकिन अभी आके हमने वितरण सुचारू रूप से चालू करवा दिया है, टोकन बंटवा दिए हैं। डिजियाना न्यूज निमाड़ भिकनगांव। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।